दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप अपने गांव के ज़मीन से जुड़े सभी मुकदमे, चाहे वे किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए गए हों, आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे देख सकते हैं और उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज जो तरीका हम आपको बताएंगे, उसमें आप बिना मुकदमा नंबर जाने ही किसी का भी मुकदमा देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एक बार आप लोग पूरा ज़रूर देखें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको आ जाना है अपनी मोबाइल फ़ोन की होम स्क्रीन पर। जैसे कि अब हम अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर आ गए हैं, तो यहाँ पर आपको ढूंढ लेना है आपका गूगल क्रोम कहाँ पर है। तो सिंपली आपका गूगल क्रोम जहाँ पर है उसको ढूंढने के बाद आप उसको उस पर टच कर दें। जैसे ही आप उस पर टच करेंगे, आपके सामने गूगल का सर्च बार यानी कि सर्च बॉक्स खुलकर आ जाएगा। आपको गूगल सर्च बॉक्स पे टच कर देना है और उस पर जैसे टच करेंगे उसमें आपको लिख देना है वाद, VAAD। जैसे ही आप वाद लिखेंगे, आपके नीचे देख सकते हैं सर्च बार के नीचे लिख कर आ गया है ब्लू कलर में wad.up.nic.in। आपको सिंपली इस पर टच कर देना है। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर एक ऐड आ गया है, ऐड के राइट कॉर्नर पर आप देख सकते हैं एक गुणे का निशान है यानी कि कट का निशान, उसको आपको टच कर देना है, ये ऐड हट जाएगा। अब आपको यहाँ लेफ्ट कॉर्नर पर आप देख सकते हैं, लेफ़्ट कॉर्नर पर आपको तीसरे नंबर पर राजस्व ग्राम कोड लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो हम आपको जूम करके दिखा देते हैं दोस्तों, ये यहाँ पर। तो आपको सीधा राजस्व ग्राम कोड पर टच कर देना है। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे आपके सामने एक दूसरा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जैसा कि आप हमारे मोबाइल फ़ोन की होम स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख कर आ गया राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली उत्तर प्रदेश। अब इसमें आपको चार ऑप्शन मिलते हैं, जनपद चुने, तहसील चुने, परगना चुने और ग्राम चुने। तो आपको सीरियल वाइज इन चारों चीज़ों को चुन लेना है। जैसे कि आपका जो भी जनपद है उसको इस पर आप टच करके जनपद की लिस्ट आ जाएगी। आप स्क्रॉल अप डाउन करके देख सकते हैं आपका कौन सा ज़िला है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक ज़िला चुन लेता हूँ। जैसे ही आप ज़िले पर टच करेंगे फिर एक बार ये सर्च होगा। सर्च होने के बाद फिर आपको दूसरे ऑप्शन पर आ जाना है। दूसरा ऑप्शन है तहसील चुने, सिंपली आपको इस पर टच कर देना है। अब जैसे ही टच करेंगे आपके सामने तहसील की उस ज़िले की तहसील की लिस्ट खुल जाएगी जो ज़िला आप चुने हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं जो भी तहसील आपकी हो उस पर सीधे टच कर देना है। जैसे ही टच करेंगे फिर एक बार सर्च होगा। सर्च होने के बाद फिर आपको आ जाना है तीसरे ऑप्शन पर। तीसरा ऑप्शन है आपके सामने परगना चुने, परगना चुने पर टच कर दें। उसके बाद जो भी आपका परगना है उसको चुन लें, उस पर टच कर दें। तो यहाँ पर हम परगना चुन लेते हैं। जैसे आप इस पर टच करेंगे फिर ये सर्च होगा। सर्च होने के बाद आपके सामने फिर वैसे ही स्क्रीन खुल कर आएगी। उसके बाद आपको चौथे ऑप्शन पर चले जाना है। चौथा ऑप्शन क्या है, ग्राम चुने। तो आपको चौथे ऑप्शन पर आने के बाद उस पर टच कर देना। जैसे टच करेंगे आपके गाँव की पूरी लिस्ट आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका गांव कौन सा है। स्क्रॉल अप डाउन करके आप इसको ढूंढ लें कि आपका गांव कौन सा है। जैसे कि मैं यहाँ पर जो भी हमारा गांव है एक गांव अपना चुन लेता हूँ। तो मैं एक गांव पर टच कर दिया। जैसे ही टच करेंगे फिर से ये एक बार सर्च होगा। सर्च होने के बाद एक नया इंटरफेस खुल कर आएगा, उसमें ग्राम का कोड लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। तो अब ये सर्च हो रहा है, ये अब सर्च हो चुका है। अब आप देख सकते हैं ग्राम के ऑप्शन के सामने, ग्राम के ऑप्शन के ठीक सामने आपको ग्राम कोड रेड कलर में दिखाई दे रहा है। अब आपको यहाँ सीधा कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस पर टच कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके गांव की पूरी मुकदमे की लिस्ट खुलकर आ जाएगी। अब हम इस पर टच कर दिए हैं। अब आप थोड़ी देर में देख सकते हैं कि पूरी जो भी मुकदमे ज़मीनी विवाद हैं मेरे गाँव में, जितने भी लोगों के मुकदमे होंगे वो सारे खुलकर आ जाएंगे। वो चाहे तहसील में हों या फिर जिले स्तर पर हूँ या फिर मंडल स्तर पर हूँ, सारे मुकदमे आपके खुलकर आ जाएंगे। तो
दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि आपके गांव की पूरी जितने भी मुकदमे हैं आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब इसको स्क्रॉल अप डाउन करके जो भी आपको ढूंढना है, जो भी मुकदमे, जिसके भी मुकदमे आपको देखने हैं, वो आप इसको ढूंढ सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और है दोस्तों, अगर किसी भी मुकदमे का विवरण देखना है तो आप राइट साइड में देख सकते हैं रेड कलर में विवरण देखें का एक ऑप्शन है, वहाँ पर आप टच करके मुकदमे का विवरण देख सकते हैं। विवरण में जैसे कि तारीख कब कब पड़ी, अगली तारीख क्या है, या फिर अगर उस पर कोई आर्डर आ गया है तो आपकी आप उसकी कॉपी भी अपने इसी मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।